हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं डायबिटीज स्पेशल आम पन्ना, जो कि गर्मियों में पीना बहुत ही लाभकारी है, साथ ही डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आज हम बनाने वाले हैं, तो इसके लिए हमने लिया है 2 कच्ची कैरी, जो कि बिल्कुल कच्ची है, और इसे हम बनाएंगे गुड़ के साथ। अगर आप गुड़ के साथ नहीं बनाना चाहती हैं तो नमक के साथ भी सिर्फ बनाकर दे सकती हैं, बट उसके लिए ध्यान रखें कि ज़्यादा खट्टी कैरी ना हो, हल्की खट्टी वाली कैरी लाएं और उसके बाद बनाएं। तो इसे हम छील कर इनका पल्प अलग कर लेंगे पहले। तो इनको हमने छील कर पल्प अलग कर लिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे हम पानी में डालकर, एक पतीले में पानी डालकर और इसे हल्का सा 5 मिनट तक बॉयल करेंगे, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो इस तरह से एक पतीले में थोड़े से पानी के साथ आम के टुकड़े को डाल देंगे और इसे कवर कर गैस में हम 10 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। जब तक हमारी कच्ची कैरी जो है सॉफ्ट हो रही है, तब तक हम मसाला देख लेते हैं। तो ये है हमारे पास जीरा भुना हुआ, काली नमक, अगर काली नमक नहीं है तो सिना नमक का यूज कर ले, अगर वो भी नहीं है तो आप वाइट नमक जो रेगुलर यूज होती है आप उसे भी यूज कर सकते हैं। साथ में है ये पुदीना की पत्तियाँ सूखी हुई हैं, क्योंकि ढेर सारा आने के बाद हमारा यूज नहीं होता, तो मैंने उसे स्टोर करने के लिए सुखा कर रखा हुआ है, तो मैं उसका यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास हरा पुदीने की पत्ती है तो आप उसका यूज कर ले, और भी अच्छी बात है। साथ ही हमारे पास है 1 बड़ा चम्मच सौंफ और 10 से 12 काली मिर्च। तो इन सबों को हम पीसने के टाइम में, जब उनका हम पेस्ट तैयार करेंगे, तब हम इन सबों को डाल देंगे। और मैं कहना चाहूँगी कि साथ ही, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। तो ये हमारा पल्प जो है काफ़ी अच्छे से ये जो है सॉफ्ट हो चुकी है, इनका अब हम पेस्ट बना लेंगे ठंडा होने के बाद। तो इन्हें हम पहले ठंडा हो जाने देते हैं। इनका जो है पेस्ट बनाने के लिए हमेशा हम बड़े जार का ही यूज़ करेंगे, और उसके बाद जो हमने जो ये सारे मसाले रखे हुए थे इसे हम ऐड कर देंगे। सॉरी, हम गुड़ दिखाना आपको भूल गए थे, तो हम इसमें हम गुड़ भी ऐड कर देंगे। अगर गुड़ डालने से आपको उनका कलर पसंद नहीं है, ज़्यादा काला दिखता है, तो आप उसके जगह पर आप चीनी भी यूज कर सकती हैं। तो इनका हम चलिए एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करते हैं। इनका पेस्ट बनाने के बाद हम इन्हें एक बार छन्नी में छान लेंगे, अगर आम के रेशे हो या फिर पुदीना के पत्तियां बड़ी बड़ी रह गई हो तो वो सारे निकल जाएंगे और छनकर एक जैसा पल्प हमारे पास आ जाएगा। तो इसे हम एक बार छान लेंगे। इसे आप बनाकर एक दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे कि देखिए हमारा सोप ये वो ज़्यादा दिख रहा है, इसमें बच्चे जो है इसे इस तरह से पीना पसंद नहीं करते हैं, तो अच्छा है कि आप इसे एक बार छान लें। और हाँ, इसमें अगर आप कलर को ऐड करना चाहती हैं ग्रीन कलर का, क्योंकि ग्रीन आम से बनी है, कच्चे आम से, अगर आप ग्रीन कलर इसमें फूड कलर ऐड करना चाहती हैं तो बेशक आप कर सकती हैं, पर मैं नहीं करने वाली हूँ। तो इसे हम अब चिल बर्फ डालकर ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। तो ये हमारा तैयार है, कुछ इस तरह से थिकनेस है हमारी। इसमें अगर हम चाहें तो भी 4 लोगों के लिए पानी ऐड कर इसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मर्जी है, आप जितना थिक या फिर और भी पानी डालना चाहें। तो इसे हम एक गिलास में सर्व कर डालकर सर्व करेंगे। तो गुड़ डालने के बाद कुछ हमारा कलर इस तरह से आया है, आप चीनी डाल सकती हैं और कलर डालकर इसे और भी अच्छा कलर दे सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सो प्लीज़ पसंद हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें ज़रूर बताएं। सो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।